हेलो गाइस, वेलकम टू मोटो महल यूट्यूब चैनल। सो मेरा नाम है अभिषेक और मैं आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट एक बार आप देखेंगे तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को आप लोग जरूर परचेस करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक GPS ट्रैकर। जी हाँ, GPS ट्रैकर एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि आप किसी भी चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब आप गूगल मैप पे उसका पोजीशन आपको हमेशा बताते रहेगा अगर आपके पास GPS ट्रैकर है। जैसे कि आपने फ़ोन में तो यूज़ किया ही होगा कि अगर आपको एक लोकेशन दूसरे लोकेशन जाना रहता है तो आप GPS के थ्रू पूरा अनेबल करते हैं तो वो आपको प्रॉपर लोकेशन दिखाता है। सो उसी तरह का एक डिवाइस होता है GPS ट्रैकर, जिसका मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि वो आपके किस काम आ सकता है। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल कार्स और बाइक्स की चोरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आजकल इतना इजी हो गया बाइक्स और कार्स चुराना। सिंपली आप अगर हैंडल को तोड़ेंगे और इग्निशन की चालू करते हैं तो आपकी गाड़ी पूरी तरह से चालू रहती है और मात्र आधे से एक घंटे के अंदर उसको पूरा अलग हो जाता मतलब आपके बाइक मिलेगी ही नहीं। ये बहुत बड़ी एक समस्या है। अगर सेम केस देखेंगे तो कार के साथ भी यही चीज़ हो रहा है। लोग गाड़ी चुराते हैं, जाके पूरा अलग करके पूरी तरह से कार को बेच देते हैं। सो ऐसा मतलब इसमें बहुत बड़ा दुख भी होता है और एक फाइनेंशियल लॉस भी होता है, क्योंकि कई लोग इमोशनली अटैच होते हैं अपनी बाइक्स और कार से और एक बार अगर वो गाड़ी चोरी होती है तो उनको बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। सो इसीलिए आप लोग अपने कार और बाइक में GPS ट्रैकर इंस्टॉल कर सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये जो GPS ट्रैकर है ये मुझे भेजा है bango.com में, और यदि गाइस आप सभी को ये प्रोडक्ट बाई करना तो इसकी बाइंग लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो आप bango.com से वो प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। अब बताता हूँ कि GPS ट्रैकर, देखिए मार्केट में आपको बहुत सारे तरीके के GPS ट्रैकर मिलेंगे, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो पहले के GPS ट्रैकर आते थे उसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था कि एक साल का सब्सक्रिप्शन लो या दो साल का सब्सक्रिप्शन लो, उसके बाद एडवांस मतलब उसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्चे होते थे। उसके बाद एक और GPS ट्रैकर आपको मार्केट में अवेलेबल है जो कि अमेजन वगैरह का है, वो है अराउंड 1500 का। पर उसमें क्या है, उसमें आपको वायर्स कट करने पड़ेंगे आपके बाइक का, मतलब उसमें अगर बाइक या कार में अगर आप उसको इंस्टॉल करना है तो आपको बाइक या कार के वायर्स को कट करना पड़ेगा। पर जो इस वीडियो में मैं आपको GPS ट्रैकर दिखाने जा रहा हूँ उसमें आपको कोई भी वायर्स वगैरह कट नहीं करना है, सिंपली उसको जहाँ पे आप रखोगे उसको आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये GPS ट्रैकर मतलब इतना ज़्यादा हेल्पफुल है, ये कार हो गया, बाइक हो गया, और यदि गाइज आपके कोई बच्चे हैं या कोई किसी में आप रख के देखना चाहते हो कि वो बच्चा कहाँ जाता है उसकी प्राइवेसी के लिए या सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो वो सिंपली आप इस GPS ट्रैकर उनके बैग में रख सकते हो और आप एकदम रियल टाइम पोजिशन पता कर सकते हो कि जिसको ट्राई करना है उसका पोजीशन एक्चुअली में क्या है। सो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो अभी तो मैं सबसे पहले आपको इसका प्रोडक्ट दिखाता हूँ कि एक्चुअली में प्रोडक्ट है क्या। सो गाइस, ये है GPS ट्रैकर जो कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह का पैकेजिंग आपको आता है, बहुत ही सिंपल पैकेजिंग, ऐसा कुछ बहुत फैंसी लिखा नहीं हुआ है जो कि ये है ऐसा है, सिंपल यहाँ पे GPS ट्रैकर लिखा हुआ है। और इसके अंदर बॉक्स में आपको मैं GPS ट्रैकर दिखाता हूँ। सो अगर आप बॉक्स ओपन करते हैं तो आपको सामने ये GPS ट्रैकर देखने मिलता है। देखिए कितना इसका स्मॉल साइज है। और इस जो GPS ट्रैकर की सबसे खास बात क्या है कि इसमें आपको इनबिल्ट बैटरीज मिलती है। ये जी मतलब इस चीज़ का ये बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज बोल सकते हो, क्योंकि क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप जो नॉर्मल GPS ट्रैकर आता है जो कि आप अगर अपने कार या बाइक में इंस्टॉल करते हैं, सो यदि मान लीजिए आपकी गाड़ी बहुत दिन से बंद है तो उसकी जो बैटरी होती है वो ड्रेन हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। उसको बाद में अगर उसको चार्ज करने के लिए आपको फिर से व्हीकल स्टार्ट करना पड़ेगा तब जाके उसकी बैटरी चार्ज होगी और वो प्रॉपरली वर्क करेगा। पर जो ये GPS ट्रैकर है इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। जी हाँ, आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी जो कि आप एक बार इसको चार्ज करिए कम से कम अगर रियल टाइम आप ट्रैकिंग करेंगे तो ये 15 से 20 दिन की इसकी बैटरी बैकअप है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है मतलब। और आप इस डिवाइस को दिखाता हूँ मैं तो इस डिवाइस को अपन अगर कवर ओपन करते हैं तो सिंपली आपको फर्स्ट में ये डिवाइस देखने मिलता है। तो गाइस, ये है हमारा GPS ट्रैकर, बिल्कुल छोटा सा स्मॉल साइज है और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छा, एकदम हार्ड प्लास्टिक है, मेटल नहीं, हार्ड प्लास्टिक है। और इसकी सबसे खास बात क्या लगी मुझे कि इसके पीछे में आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दिया हुआ है, जो अगर आप मान लीजिए बाइक के सीट के नीचे लगाते हैं या कोई भी ऐसे पोजिशन लगाते हैं जहाँ पे मेटल है तो बहुत ही आसानी से चिपक जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। एक बार इसको लगा के देखिएगा, मतलब इसका जो पकड़ है गाड़ी के साथ अगर कहीं भी इसको चिपकाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होल्ड करता है, अपने पोजीशन में बिल्कुल लॉक रहता है। तो इस GPS ट्रैकर के अलावा यहाँ पे आपको एक पाउच मिलता है जिसके अंदर आप ये GPS ट्रैकर डाल के अपने कार या बाइक में कहीं पे भी इसको रख सकते हैं ताकि सेफली आप इसको रख सकते हैं। ये वैसे भी वेदर प्रूफ है और इतना ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वाटर प्रूफ, वेदर प्रूफ है, पूरा केसिंग इसमें दी हुई है, तो बारिश वगैरह से भी इसको, बारिश हो गया थोड़ा बहुत हीट से भी इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो इसके लिए पाउच के अलावा आपको इसके अंदर मिलता है
सिम ट्रे। जी हाँ, ये जो जीपीएस ट्रैकर है इसमें आपको सिम डालना पड़ेगा, और जो कि मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें फेस करी, क्योंकि मैंने इसके बहुत पहले बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे और ऑनलाइन चेक किया था, तो इसमें लिखा हुआ था कि 2G अनेबल सिम, तो मुझे क्या लगा कि इसमें सिर्फ 2G सिम डलेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस जो जीपीएस ट्रैकर डिवाइस है इसमें आप लोग कोई भी सिम डाल सकते हो अदर देन जो जियो की 4G सिम आती है, क्योंकि जो जियो की 4G सिम आती है वो सिर्फ और सिर्फ 4G सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, और भी कोई भी सिम, उसमें आपको 2G पैक मिलता है। सो आपको मैं फिर से बताता हूँ, जो सभी आप इसमें सिम डालेंगे उसमें आपको सिर्फ 2G पैक डलाना है। जी याद करेगा, 2G पैक ही आपको डलाना, 3G पैक में ये डिवाइस वर्क नहीं करेगा। और इसमें आपको इंटरनेट पैक होना जरूरी है, और आपको मोबाइल के लिए SMS के बैलेंस होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं इसको बहुत दिन से टेस्ट कर रहा हूँ, तो करंटली मैंने इसमें वोडाफोन की सिम लगाई हुई है। वोडाफोन का एक रिचार्ज होता है 28 रुपीज़ का, जिसमें आपको 450 MB मिलता है, 2G 3G 4G मिलता है। तो याद रखिएगा, जो भी आप रिचार्ज कर रहे हैं उसमें 2G का डाटा होना ज़रूरी है, तभी आपको ये रियल टाइम लोकेशन दे पाएगा। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मात्र आप 28 रुपये में एक महीने का अगर रिचार्ज करेंगे तो आपका ये डिवाइस पूरी तरह एक महीना चल जाएगा, और आपको मतलब पूरे मंथ का आपको रियल टाइम आपको लोकेशन देखने मिलेगा। तो जैसे मैंने इसके अनबॉक्सिंग में बताया था कि इसमें GPS ट्रैकर है और एक कवर है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चार्जर भी है। ये बेसिकली एक नॉर्मल चार्जर है, आप इसको मतलब फ़ोन वाले चार्जर से भी चार्ज करते हैं, बिल्कुल ही एक USB टाइप का चार्जर है। और साथ ही साथ आपको ये इसमें सिम ट्रे भी दिया है, और सिम इंजेक्टर यहाँ पर टूल भी दिया हुआ है, इससे आप सिम को निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो मेन चीज़ है वो है इसका मैनुअल। इसके मैनुअल में आपको बहुत सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, और आप इस मैनुअल को पढ़ेंगे तो आपको पूरा जानकारी मिलेगा, बहुत ही अच्छे डिटेल्स में लिखा हुआ है। और सबसे अच्छी खास बात क्या है, ये चाइनीज प्रोडक्ट होने के बावजूद यहाँ पे पूरा जो वर्डिंग्स है वो पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इसमें बहुत सारे सेट्स ऑफ कमांड है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और अपना एक सिम का जो फ़ोन नंबर है उसको आप परमानेंट इसमें सेट कर सकते हैं, जिसको वो एडमिन एज अ एडमिन नंबर इसमें यूज़ करेगा, और उसी सिम से ही आपको पता चल पाएगा कि इसका लोकेशन क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली अब मैं इसको बताता हूँ कि इसके जो GPS ट्रैकिंग है उसको ट्रैक करने का इसमें दो तरीका है। एक तो पहला क्या तरीका है कि जो सी भी सिम आप अगर इस GPS ट्रैकर में लगाते हैं उसमें आप एक कॉल करेंगे, तो जैसे ही आप कॉल करेंगे आपको एक मैसेज रिसीव होगा, जो कि आप अभी अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे किस तरह का सा ये मैसेज का रिप्लाई करता है। सो बेसिकली जब भी आप उस फ़ोन नंबर में कॉल करेंगे तो ये 3 बार घंटी बजता है, और 3 बार घंटी बजने के बाद आपको कुछ समय तक वेट करना होगा, उसके बाद आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा जिसमें आपको उसका पूरा लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और एक GPS जो गूगल मैप का एक लिंक होगा, गूगल मैप का लिंक आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इसका रियल टाइम का लोकेशन मिल जाएगा। ये जो डिवाइस है इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे हो गया हाई स्पीड अलार्म, और यदि मान लीजिए आपका डिवाइस शट डाउन होता है तो उसका आपको अलार्म मिलेगा, और यदि मान लीजिए आपको कहीं ट्रैक करना है उसका आपको सब कुछ अलार्म वगैरह सब कुछ इसमें मिलेगा। और इस जो GPS ट्रैकर का मुझे एक सबसे अच्छा खास क्या लगा वो है जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग ऐसा है कि आप अपने ऐप में एक एरिया सेट कर दीजिए, और उस एरिया के बाहर जैसे आपकी गाड़ी जाएगी तो आपको अलार्म मिलेगा, आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपकी गाड़ी इस एरिया के बाहर मूव हो रही है। सो बहुत ही अच्छा है, आप लोग अपने घर के एरिया में इसको जियो फेंस कर दीजिए, वो आपको मैं दिखाऊंगा ऐप में कैसे कर सकते हैं। वो पूरे एरिया भी मैप कर दीजिए, और जैसे ही आपकी गाड़ी इस मैप से बाहर निकलेगी तो आपका जो अलार्म होगा वो बजने लगेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये डिवाइस चार्ज कर, और यहाँ पे पीछे एक आईडी लिखी है जो मैं आपको अभी हाइड कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आईडी लिखी हुई है, ये मतलब आपकी एक यूनिक आईडी है, और अगर ये आईडी आपको पता चल गया तो आप लोग भी मेरे को मतलब पूरी तरह से ट्रेस कर सकते कि मैं कहाँ मूव रहा हूँ। जो भी है यहाँ पे मेन आईडी, इसलिए मैं अभी इसको हाइड करके रखा हूँ। और आप सभी लोग से भी रिक्वेस्ट होगा कि ये आईडी आप किसी से शेयर नहीं करें, क्योंकि ये आईडी आपकी मेन होती है अगर आपको उसको ऑनलाइन ट्रैक करना है। तो जैसे मैंने बताया कि फ्रंट से दिखाता हूँ तो ये ऐसा दिखता है, और यहाँ पे इसकी केसिंग दी हुई है, ये वाटरप्रूफ केसिंग। सो यहाँ पे आपको सिम डालना है, तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वोडाफोन की सिम डाली है, और ये जैसे ये ब्लिंक कर रहा है मतलब समझिए कि आपका GPS वर्क कर रहा है। अगर ये ब्लिंक नहीं करेगा तो आप समझ लीजिएगा कि आपका GPS काम अच्छे से नहीं कर रहा है। और आपको एक खास बात बताऊंगा कि जैसे ही आप लोग इसमें सिम डालेंगे तो प्लीज़ आप लोग 15 से 20 सेकंड के लिए वेट करिएगा, ताकि ये प्रॉपर अपना GPS नेटवर्क देख पाए और ये ब्लिंक करना चालू हो। जैसे ही मान लीजिए ब्लिंक करता है तभी तब आप लोग समझ जाएगा कि आपका GPS काम करना चालू हो गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो चीज़ से काम करता है, एक होता है आपका सिम, मतलब आप इसमें मैसेज करके आप इसे लोकेशन पूछ सकते हैं, जिसका कमांड आपको पूरे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको इसको ऑनलाइन ट्रैक करना है तो इसका एक मोबाइल ऐप भी है जिसका नाम है TKStar ऐप, और उसकी भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जैसे आप उस
एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन में, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक आपकी आईडी लिखी होती है, इस आईडी को डालना है और उसका पासवर्ड है 123456। तो जैसे ही आप डालेंगे वहाँ पे आपको पूरा एक गूगल मैप दिखेगा और वहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ के देखने मिलेंगे, जैसे हो गया माई लोकेशन। और ये क्या क्या चीज़ पे मतलब ट्रेस करता है आपको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं इसको बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है। और जैसे ही आप उसमें ऐप को ओपन करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक गूगल मैप खुलेगा और उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे माई पोजीशन आता है, ट्रेस का आता है और इसकी हिस्ट्री जानने की डिवाइस कहाँ कहाँ मूव हुआ है, तो सारा कुछ जानकारी आपको मिलेगा। और यदि गाइस आप इसके सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे और फंक्शन देखने मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हाई स्पीड अलार्म मिलेगा और मान लीजिए आपकी डिवाइस शट होती है उसका अलार्म मिलेगा, और मान लीजिए अगर आपकी डिवाइस अगर की बैटरी लो होती है तो उसका भी आपको अलार्म वहाँ पे देखने मिल जाएगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसका एक फीचर है, क्योंकि मैं इसको बहुत दिन से टेस्ट करता हूँ, तो ये है मैं आपको बताता हूँ कि आप इस डिवाइस को जहाँ जहाँ भी लेके जाएंगे वहाँ वहाँ का आपको पूरा ये एक मैप बनाता जाएगा और उसको आप प्रॉपरली ट्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप उस प्ले बटन को प्रेस करेंगे तो वो पूरा ऐसे मूव करता है और एक एक लोकेशन दिखाता है कि कहाँ कहाँ पर आपकी गाड़ी मूव हो रही है, और बहुत ही एक्यूरेट दिखाता है। इसका जो एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा एक अल्टीमेट ये डिवाइस है और आप इस डिवाइस को डेफिनेटली परचेस जरूर करेगा अपने, क्योंकि ये डिवाइस की कीमत मात्र 3,000-3,500 के बीच में, पर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि इससे सबसे अच्छी इसमें खास बात क्या लगी, इसके इनबिल्ट बैटरी दी हुई है कि आपको चार्जिंग एक बार चार्ज कर दीजिए और तो कोई भी एक सिक्योर लोकेशन में छुपा दीजिए। और जो इसका मेन चीज़ मुझे लगा कि इस चीज़ में आपको कोई भी वायर्स वगैरह कट नहीं करना है, जी हाँ, इसमें आपको वायर कट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह का डिवाइस है और मार्केट में और भी कुछ कुछ डिवाइस अवेलेबल है उसमें आपको वायर्स वगैरह कट करना पड़ता है। और इसका जो ऐप का यूआई बहुत ज़्यादा सिंपल है और ट्रेस करना इसमें जियो फेंसिंग फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है। सो ये डिवाइस अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आपकी गाड़ी कभी चोरी होती तो आप लोग उस लोकेशन का पता कर सकते हैं कि कहाँ पे आपकी गाड़ी एग्जैक्टली खड़ी है। और आप सभी लोगों को मैं एक सजेशन और दूंगा कि यदि मान लीजिए ऐसा बाई चांस कभी सिचुएशन आता है तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अकेले उस लोकेशन में मत जाइएगा, प्लीज़ आप लोग किसी पुलिस का हेल्प लीजिएगा, उनको एक बार दिखाएगा कि इस लोकेशन पर मेरी गाड़ी चोरी हो और ये मेरा लोकेशन, तो पुलिस के साथ ही उस लोकेशन पर जरूर जाएगा। और इसका जो एक्यूरेसी पॉइंट है और जो डिटेक्शन करने का पॉइंट है बहुत ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही साथ इसमें आपको तीन मोड्स भी देखने मिलते हैं, स्टैंड बाई मोड होता है, एक लो बैटरी मोड होता है और भी एक मोड है जो कि आप यूज़ कर सकते हो कि आपको कितने टाइम तक ये डिवाइस एक्टिव करना पड़ेगा। क्योंकि ये डिवाइस की बैटरी बचाने के लिए जैसे आप इसको अपने कार वगैरह में या बाइक में इंस्टॉल करते हैं तो एक कुछ देर के बाद स्टैंड बाई मोड में चल जाता है, मतलब उसमें क्या करेगा आपका बैटरी बहुत ज़्यादा बचाएगा। और जैसे ही आप इसको कॉल करते हैं या ट्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये डिवाइस एक्टिव हो जाता है, तो उसमें क्या होता है बैटरी बचना बहुत ज़्यादा बड़ा और बैटरी भी आपकी बचती है। सो बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल ये प्रोडक्ट है और मैं भी इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ। और जब मतलब इस प्रोडक्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे भरोसा है कि मेरी गाड़ी कभी भी चोरी होती तो मैं उसको ट्रेस जरूर कर सकता हूँ, और मेरे लिए एक बहुत सेटिस्फैक्शन भी है क्योंकि हर कोई अपने गाड़ी या कार से एक इमोशनल अटैचमेंट जरूर होता है। और तो डेफिनेटली अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आपकी गाड़ी या कार बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगी। सो यदि गाइस आपको इस प्रोडक्ट को बाय करना है तो मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यदि गाइस कोई कूपन कोड होगा तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। और ज़रूर से ज़रूर आपसे मैं आप सभी को मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और आप लोग इस प्रोडक्ट को ज़रूर से ज़रूर बाय करें, क्योंकि ये रहेगा तो आपकी गाड़ी और कार सब कुछ सेफ रहेगा और आपकी जो मतलब आपके जो गाड़ी और कार से जो प्यार है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि आप उस कार और बाइक को कभी खोने से मतलब खो नहीं पाएंगे और हमेशा आपकी एक सिक्योरिटी रहेगी कि मेरी गाड़ी सुरक्षित रखी हुई है। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी जानकारी आपको पसंद आएगी। और यदि गाइस आप सभी को कुछ भी डाउट होता है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे डेफिनेटली पता है आप सभी लोग डाउट थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। सो आप सभी लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इस जो प्रोडक्ट की जो भी डिटेल्स होगा या जो भी आपको क्वेरीज होगा कि कैसे काम करता है क्या करता है मैं सारी जानकारी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोगों को कमेंट से जरूर रिप्लाई करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।